रही है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल A700 या P700। ठीक है, तो जहां भी क्लोरोफिल A700 आएगा P700 आएगा तो वो याद रखना, वैसा फोटो सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो सिस्टम 1 बोलेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहां जो 700 नैनोमीटर का जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना कौन, फोटो सिस्टम 1। तो याद रखिएगा 700 नैनोमीटर लाइट को हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड लाइट बोलते हैं। 700 नैनोमीटर जो वेवलेंथ वाला लाइट होता है उसको इंफ्रारेड लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इंफ्रारेड लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1, या हम लोग बोल सकते हैं मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A700। इसको याद रखना है। किसी किसी आप लोग अगर बुक में पढ़िएगा तो उस बुक में लिखता है कि फोटो सिस्टम 1 जो है ना वो हम लोग बोलेंगे मोर देन 680 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ होता है वो लाइट को भी क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। तो मोर देन 680 लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा कि वो किसके बारे में बोल रहा है, वो फोटो सिस्टम 1 के बारे में बोल रहा है। क्योंकि मोर देन 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट का मतलब हो गया कितना वेवलेंथ वाले लाइट, हम लोग बोलेंगे 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट के बारे में बोल रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दूसरा ये था, हम लोग बोलेंगे मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A700। ठीक है, या P700, P इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पिगमेंट है, क्लोरोफिल एक अच्छा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इसीलिए P हम लोग बोल रहे हैं P700। ठीक है, 700 का मतलब 700 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ वाले लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा कौन, फोटो सिस्टम 1। और इसके पास भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, उसका नाम क्या चीज है वो हम लोग पढ़ेंगे जब लाइट रिएक्शन देखेंगे या फोटो सिस्टम 1 को हम लोग डिटेल में देखेंगे उस टाइम। अभी बस मैं इतना बता रहा हूँ कि फोटो सिस्टम 1 में क्या इंपॉर्टेंट है, या हम लोग बोल सकते हैं फोटो सिस्टम का क्या टाइप्स है। तो जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि फोटो सिस्टम का टाइप हम लोग बोल रहे हैं फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 है। ठीक है, तो अब देखो फोटो सिस्टम 1 जो है ना, देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर देखो होगा क्या कि जो भी सनलाइट है, ठीक है, जो भी सनलाइट है वो सनलाइट को सबसे पहले कौन एब्जॉर्ब करेगा, हम लोग बोलेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें जो भी मतलब एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, अब वो लाइट हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्ब होके कहाँ पहुंचेगा, इस पिगमेंट से कहाँ पहुंचेगा, अगले वाले पिगमेंट में। ठीक है, लाइट एनर्जी पहुंचेगा, अगला वाला जो एसेसरी पिगमेंट है वो लाइट एनर्जी को फिर क्या करेगा, अपने बगल वाले जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है एसेसरी पिगमेंट उसमें ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, उससे फिर हम लोग बोलेंगे लाइट एनर्जी ट्रांसफर होते हुए कहाँ पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे अगला फिर एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में पहुंचेगा। फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अगला एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में पहुंचेगा। और अल्टीमेटली देखो ये जो लाइट एनर्जी है वो लाइट एनर्जी हम लोग बोलेंगे कहाँ पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा वो कितना, हम लोग बोलेंगे 700 वेवलेंथ वाला जो लाइट होगा उसी को ये एब्जॉर्ब करेगा। तो जब इसमें हम लोग बोलेंगे 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला लाइट पहुंच जाता है किसमें, क्लोरोफिल A700 में, या मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A700 में, तब यहां से क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे एक्साइट हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है किससे, फोटो सिस्टम 1 से। तो वो जो एक्साइट हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकला है क्लोरोफिल A700 से, उस इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने के लिए हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1 के ही पास एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रोटीन। ठीक है, अभी बस इतना जानिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो सनलाइट जो एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पर देखो ये जो एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस, क्या चीज, एनर्जी ट्रांसफर, क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को मैं बताया था, तो बस अभी इतना याद रखिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि फोटो सिस्टम 2 क्या होता है। तो देखो फोटो सिस्टम 2 क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 में हम लोग बोलेंगे कि फोटो सिस्टम 2 भी क्या चीज है, फोटो सिस्टम 2 भी क्या चीज है, ये भी क्या चीज है, ये भी क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ये भी क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है। ठीक है, या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है फोटो सिस्टम 2 भी, जो कि कहां प्रेजेंट होगा, जो कि हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा फोटो सिस्टम 2 भी, जिसका मेन काम क्या होगा, लाइट को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, लाइट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन हो सके फोटोसिंथेसिस का। तो फोटो सिस्टम 2 भी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, फोटो सिस्टम ही है ना, तो फोटो सिस्टम 2 का भी काम क्या होगा, क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन को कैरी करना। तो डिफरेंस क्या चीज है फोटो सिस्टम 1 एंड 2 में, फोटो सिस्टम 1 में हम लोग बोलेंगे जो मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल A700। और फोटो सिस्टम 2 में जो मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल होगा वो कितना होगा, क्लोरोफिल A680 होगा। इसको याद रखना है। ठीक है, बाकी सारा का सारा फोटो सिस्टम हम लोग बोलेंगे विच कंसिस्ट ऑफ क्या चीज, एंटीना कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, और हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसी से बनता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पर
ये जो मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल जो है, मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल जो है ए जो है, ठीक है, उसको अगर हम लोग ऐसे कर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ पर, क्लोरोफिल ए 680, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे P680, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे फोटोसिस्टम 2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे फोटोसिस्टम 2 बोलेंगे, इस चीज को याद रखना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 680 हो जाएगा, ठीक है। तो फोटोसिस्टम 2 क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 में डिफरेंस ये है कि फोटोसिस्टम 1 में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल P700 होगा, फोटोसिस्टम 2 में क्या होगा, जो मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए जो है वो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल A680 होगा, बस इसको इतना याद रखना है, ठीक है। तो सेम यहां पर भी होगा, फोटोसिस्टम 2 में भी क्या होगा, एंटीना कॉम्प्लेक्स होगा, मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल P680 होगा या क्लोरोफिल A680 होगा, क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा। तो यहां पर भी क्या होगा, देखो ध्यान से, लाइट एनर्जी को कौन रिसीव करेगा, एंटीना कॉम्प्लेक्स या हम लोग बोलेंगे एसेसरी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है या एंटीना कॉम्प्लेक्स है वो रिसीव करेगा और वो लाइट एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा बगल वाला एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में, फिर उससे बगल वाले फोटोसिंथेटिक एसेसरी पिगमेंट्स में लाइट एनर्जी ट्रांसफर होगा, फिर लाइट एनर्जी बगल वाला फोटोसिंथेटिक एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में जाएगा, फिर बगल वाले एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में जाएगा और अल्टीमेटली लाइट एनर्जी कहां पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे कहां पहुंचेगा, मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए में पहुंचेगा, ठीक है। तो मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए में ये कितना वेवलेंथ वाले लाइट को अब्सॉर्ब कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला लाइट को ही अब्सॉर्ब कर पाएगा मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, क्योंकि यहां पर ए 680 ये बता रहा है कि ये जो मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट को अब्सॉर्ब कर पाएगा। तो जैसे ही ये लाइट अब्सॉर्ब किया 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट को, तो ये जो मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए 680 से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उस इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने के लिए फोटोसिस्टम 2 के पास ही क्या प्रेजेंट होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। और यहां पर देखिए जो एनर्जी का जो ट्रांसफर हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर बोलेंगे, ठीक है। तो ये फोटोसिस्टम 2 हो गया। किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखता है कि फोटोसिस्टम 2 को ये कितना मतलब वेवलेंथ वाले लाइट को अब्सॉर्ब कर रहा है, 680 वेवलेंथ वाले लाइट को अब्सॉर्ब कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेड लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेड लाइट बोलते हैं, ठीक है। या ऐसे भी बुक में लिख सकता है कि फोटोसिस्टम 2 जो है ना वो हम लोग बोलेंगे लेस देन 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट को अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। अगर लेस देन 700 नैनोमीटर आया, इसका मतलब क्या चीज, हम लोग बोलेंगे 680 नैनोमीटर, याद रखना वेवलेंथ वाले लाइट के बारे में बात कर रहा है, मतलब रेड लाइट के बारे में बात कर रहा है, मतलब फोटोसिस्टम 2 के बारे में बात कर रहा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 में मेन डिफरेंस यही है कि फोटोसिस्टम 1 रहेगा तो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल ए 700 होगा। अगर फोटोसिस्टम 2 रहेगा तो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल ए 680 होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे P700, इसको हम लोग बोलेंगे P680, P स्टैंड्स फॉर कुछ नहीं, P स्टैंड्स फॉर हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे टाइप्स फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम का, जिसको हम लोग बोलेंगे फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। अब देखिए, अब लाइट रिएक्शन को समझने के लिए फोटोसिस्टम 1 एंड 2 के बारे में बिल्कुल जानना होगा। तो अभी तक हम लोग बस ये सीखे कि फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 में जो मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है उसके बेसिस पर क्या चीज है, टाइप्स है फोटोसिस्टम का, एक को बोलेंगे फोटोसिस्टम 1 या P700 या क्लोरोफिल A700 और दूसरा क्या बोलेंगे फोटोसिस्टम 2 या हम लोग बोलेंगे P680 या क्या बोलेंगे क्लोरोफिल A680, ठीक है। तो अभी मैं ये बताऊंगा कि ये जो फोटोसिस्टम 1 है इसको डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है फोटोसिस्टम 1 का, क्या क्या पॉइंट्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना पड़ेगा और कैसे करके ये हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन को कराते हैं, ये मैं पहले बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा फोटोसिस्टम 2 का स्ट्रक्चर बताऊंगा, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है या क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा फोटोसिस्टम 2 में, ये सब बताऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज, मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन या हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिटेल में कि फोटोसिस्टम 1 का क्या फीचर्स होता है, इसका क्या स्ट्रक्चर्स होता है, ऐसे स्ट्रक्चर को यहाँ पर मैं बता दिया हूँ, तभी बताऊंगा कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तरह रखते हैं, थैंक यू।